त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तु समे स्याद् यद् वीरभार गन्तुर् यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेतिरासौ न विदां प्रवादः। अरे राजन तुम किसे दंड दोगे? भाई मैं तो ना मोटा हूं ना पतला हूं ना पैदा होता हूं ना मरता हूं, ना मुझ पर किसी का भार है ना मुझे किसी का कष्ट है। ये अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो सडूर मियां हैं वो देहे न जातस्य ही मे न संति, ये सब देह के विकार होते हैं, मुझ में ये कोई भी घटित नहीं है। थोड़े से शब्दों में ऐसा व्याख्यान दिया कि खोपड़ी हिल गई राजा रघुगढ़ की। भाई देखने में तो पागल जैसा लग रहा है पर बात बड़ी गहरी कह रहा है। दोबारा ध्यान से जब देखा तो मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े राजा और चरणों में गिर के बोले, महाराज कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमोवधूत। आप कौन अवधूत है महाराज? आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप तो कोई द्विजश्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। महाराज मैं किसी से डरता नहीं पर ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे सामने वज्र लेके इंद्र आ जाए तो मैं उनसे डरूंगा नहीं, भिड़ जाऊंगा। अरे इंद्र की जाने दो, साक्षात महाकाल शंकर भी सामने आ जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्षत्रिय हूं। ना हम विसंके सुरराज वज्रात न त्रक्षसूलात् न यमस्य दण्डात् नान्यर्क सोमानिल वित्तपासां शङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमाना। इसलिए मुझे ब्राह्मणों से बड़ा भय लगता है महाराज। हंसते हुए जड़ भरत जी बोले, हैं तो ब्राह्मण हम ही और खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं, डरो मत। बोले आप नाराज ना हो महाराज जी, तो एक बात पूछ लूं आपसे। बोले हां पूछो। बोले आपने कहा कि मैं ना शरीर हूं और ना ही मेरे को शरीर का कोई कष्ट है ना भार है। ये भार होगा तो इस शरीर के ऊपर होगा, कष्ट होगा तो इस शरीर को हो रहा होगा, मैं तो इन सब द्वंद्वों से वो पृथक हूं, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। क्यों नहीं आई भाई? बोले देखिए महाराज, एक दृष्टांत से देखिए। स्थाल यज्ञे तापात् पयसो भितापः तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री। हमने चूल्हा जला के उसमें बटलोही रखी, बटलोही में पानी भर के चावल डाल दिए तो चूल्हे की आग पहले बटलोही को गर्म करेगी, बटलोही गर्म होगी तो बटलोही का पानी भी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो चावल खदकने लगेंगे और तंदुल गर्भरंध्री चावल के भीतर तक अग्नि का प्रभाव पहुंच जाता है और चावल भात बन जाता है, पूरा पक जाता है। तो जैसे वग्नि का ताप चावल के भीतर तक पहुंच गया उसी प्रकार देहेन्द्रिय स्वाशय सन्निकर्षा तत्संस्रति पुरुषस्यानुरोधा। जब शरीर में कोई कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, फिर मन को कष्ट होगा, तो क्या इस शरीर में विद्यमान आत्मा पर उस कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा? आत्मा है तो इस शरीर में ही, तो जब सबको कष्ट हो रहा है तो आत्मा को क्यों नहीं? मेरी दृष्टि से तो कष्ट आत्मा को होना चाहिए। जड़ भर जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ करके सत्संग सुन सुन के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करना सीख लिया है। अकोविद कोविद वाद वादान वदस्य तो नाति विदान वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेण सामनंति। कोविदों की तरह बात करते हो पर हो अकोविद माने महामूर्ख। राजा बुरा नहीं माने, महाराज जो चाहो सो कहो पर मेरे शंका का समाधान करो। जड़भर जी बोले, हम इसलिए तुम्हें मूर्ख कह रहे हैं कि दृष्टांत तुम सावयव पदार्थों का दे रहे हो और निरवयव तत्व के साथ उसे घटा रहे हो। देखो भाई, तुमने जो दृष्टांत दिया रहुगण, पानी चावल
बटलोही, अग्नि, ये सब सावयव हैं। इनको आप देख सकते हो, इनको आप छू सकते हो, पर घटा रहे हो आत्मा के साथ, जिसको न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। आत्मा अवयव रहित तत्व है। और दृष्टांत, तुम सावयव पदार्थों का देखोगे तो अनुपयुक्त है, गलत है। आत्मा तो आकाश की तरह अवयव रहित तत्व है। जैसे आप आकाश को न पकड़ सकते हो, न काट सकते हो, न जला सकते हो, क्योंकि उसका कोई अवयव नहीं है, ऐसी आत्मा आकाशवत अवयव रहित तत्व है। इसलिए नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसलिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब प्रश्न उठता है, तो फिर दुख सुख होते किसे हैं? ये सब मनीराम जी के खेल है। मन की अनुकूलता में हम सुखी होते हैं और मन की प्रतिकूलता में हम दुखी होते हैं। मन के विरुद्ध यदि कोई व्यवहार हो रहा है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। रात के 10 बजे यदि कोई मेहमान आ जाए और ससुर जी कहें, बहू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बेचारे रास्ता भटक गए थे और बरसात में भींग गए थे, आ गए हैं, भूखे हैं, दो रोटी फटाफट सेक दो, अतिथि भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ससुर जी की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा बहू को, पर मूड खराब हो गया। बताओ, सोने का समय हो रहा है और ये बड़े बड़े हुक्म चला रहे हैं, बुड्ढों का और कोई काम ही नहीं है, बैठे बैठे बस जीभ हिला दी। अब दिन भर की थकी सोने के लिए गई, अब इनके लिए रोटी बनाओ, न जाने कहां कहां के यारे गहरे न तू घरे बुला लेते हैं। उठा उठा के बर्तन पटकना चालू किया, तब जाके दो फुलके सिके। और दूसरे दिन रात के 12 बजे भैया जी आ गए, बहन जी, सुनते ही करंट आ गया, बहन जी को तुरंत फटाफट फुलके सिक गए, फुलके की छोड़ो पूरी छनछनाने लगी। अरे भाई बहन जी रहने दो, मैं घर से भोजन करके ही तो चला था। अरे तो भूखा थोड़ी आया होगा, भोजन तो किया ही होगा, और अब तक तो कब कब पच गया होगा। देर कितनी लगती है, 2 मिनट में अभी बनती है। कोई थकान का पता ही नहीं चला, 12 बजे भी पूड़ियां छनछनाने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो आया है वो मेरा भैया है, और कल तो न जाने कौन आ गया था। तो जब मन का ममत्व जिसके साथ जुड़ जाता है, उसके लिए शरीर से भी आप कितना श्रम करो थकान का ही पता नहीं चलेगा। और जिससे मन का लगाव ना हो, मन का ममत्व ना हो, उसके लिए एक गिलास पानी लाने के लिए भी कमर पे हाथ रख के ऐसे उठाएंगे जैसे गोवर्धन उठाने जा रहे हो। बड़ा कष्ट होता है थोड़ा भी करने में। इसलिए मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयति। बहुत सुंदर समझाया। और अंत में जड़ भरत जी ने एक ही बात कही कि देखो राजन, चाहे जितना प्रवचन कर लो सुन लो, पर बिना महत पादर जो विषेकम, जब तक महापुरुषों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे तब तक ये आत्म तत्व का विषय बुद्धि में बैठता नहीं है। अहम पुरा भरतो नाम राजा, तुम तो सिंधु सोवीर देश के राजा हो, हम तो पूरे देश भरतखंड के राजा थे, हमारे नाम से ही भरतखंड प्रसिद्ध हुआ है। सारा अहंकार रहुगण का विगलित हो गया जड़ भरत जी के वचनों से, और कल्याण हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।